हे गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को जीतिया बर्थ की मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड, आज जीतिया का नहान खान है, तो मैं नहान खान आज की हूँ। और आज बहुत लोग व्रत भी रखे हैं, बहुत लोग आज जितने माताएं बहने हैं आज के दिन उपवास भी रखे हैं, बहुत लोग कल रखेंगे। तो मैं फ्रेंड कल रखने वाली हूँ, क्योंकि सुनने में आता है, पहले के दादी नानी के मुंह से भी सुनती थी, आज के भी बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनती हूँ कि जो शुक्रवार को व्रत करती हैं जो माताएं और शनिवार को पारण करती हैं, तो उनके बच्चे पे ग्रह होता है। अगर मतलब सुबह उठकर अगर बच्चे का फेस वो देख लें सबसे पहले, तो उनके बच्चे को ग्रह चढ़ता है किसी चीज का। तो सबसे पहले बच्चे को उस फेस नहीं देखना चाहिए, पहले पारण कर लेना चाहिए, उसके बाद बच्चे को फेस देखना चाहिए। तो फ्रेंड, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और मैं बच्चों लोग को साथ में ही लेकर सोती हूँ, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि सुबह उठकर बच्चे लोग को ना देखूं और अपना व्रत तो खोल लूँ, ऐसा हो नहीं सकता। एक माँ के लिए बहुत कठिन बात है, तो मैं इसके लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे 100% में 10% महिलाएं आज व्रत की हैं और 90% महिलाएं कल करेंगी। 2 दिन व्रत है इस बार। तो फ्रेंड आप लोग को पता ही होगा, जन्माष्टमी भी 2 दिन पड़ी थी, जीतिया भी 2 दिन पड़ी है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन में हैं हम लोग। तो कोई बात नहीं, जिनकी भी कन्फ्यूजन होगी वो मेरी वीडियो देखने के बाद हर किसी का कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो फ्रेंड आप लोग के घर में कब है कमेंट करके बताइएगा जरूर। और जीतिया पर्व हमारे यूपी बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उस एक माँ अपने बेटे के लिए दुआ करती है, उसकी सलामती के लिए, उसके लंबी उम्र के लिए वो 24 घंटे से भी ज़्यादा का उपवास रखती है, निर्जला उपवास। ना तो उसमें पानी पीती है फ्रेंड, और ना ही उसमें अन्न खाती है, कुछ भी नहीं। तो मेरे जान से वो 24 घंटे की उपवास नहीं होती है फ्रेंड, 24 घंटे से ज़्यादा हो जाती है एक माँ के लिए। बहुत कठिन होती है इस गर्मी में, अगर आप 1 घंटे 2 घंटे पानी ना पीकर देखिए तो आपके शरीर में क्या एहसास होता है वो आप खुद ही जान जाओगे। लेकिन ये माँ, एक माँ ऐसा संकट घड़ी को निपटा देती है अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को सलामती के लिए और उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए। तो मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भगवान दुनिया के हर माँ का, दुनिया का जो जितनी भी माँ हैं उनकी गोद कभी सूनी न हो, हर माँ को यह सौभाग्य जरूर प्राप्त हो कि वो जीतिया का व्रत करें। मेरी यही दुआ है भगवान जी से, क्योंकि भगवान बोलते हैं जब इंसान कोई व्रत रहता है उस टाइम मांगता है किसी के लिए तो जरूर पूरा होता है। तो भगवान मेरी मिन्नत भी जरूर सुनेंगे, क्योंकि मैं भी आज नहाए खा की हूँ, फिर कल व्रत रहूँगी, परसों उपवास करूँगी फ्रेंड। और ये व्रत 3 दिन का माना जाता है, एक नहान खान होता है, फिर अगले दिन उपवास होता है, उसके अगले दिन पारण होता है। ये तो आप सब जानते ही होंगे, इस चीज़ से अनजान नहीं होंगे अगर आप यूपी या बिहार के होंगे, क्योंकि दो ही राज्य में ज़्यादा माना जाता है और सबसे ज़्यादा ये हमारे बिहार में फेमस है। यूपी वाले भी करते हैं लेकिन कम लोग करते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है, मैं इतना कंफर्म जानती तो नहीं हूँ। तो इस चीज़ को आप कमेंट करके ज़रूर कंफर्म कीजिएगा कि किनके किनके घर में मनाया जाता है, आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ कल के लिए। देखिए थाल वगैरह निकाल चुकी हूँ और अभी मुझे साड़ी वगैरह भी निकालना है, पूजा का सामान निकालना है, और फिर चढ़ाने बढ़ाने वाला जो सामान होता है, दान करने वाला, वो सब भी निकालना है, क्योंकि इसकी पूजा जो होती है नीव साड़ी पे होती है, मतलब नए कपड़े पे होती है, जिसे आपको भी इसके पहले यूज नहीं किए होंगे उस कपड़े पे होती है। तो मैं वो सब तैयारी आज ही कर रख लूँगी, क्योंकि फ्रेंड कल पानी वानी पीना नहीं होता है और घर में भी कुछ काम हो जाता है, बच्चे लोग भी रहते हैं तो प्रॉब्लम होता है, शरीर काम बिल्कुल भी नहीं करता है, शरीर में, मेरे शरीर में तो बिल्कुल भी पानी की कमी हो जाती है फ्रेंड।
कोई प्रॉब्लम की वजह से, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। आपको मैं दिखा सकती हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ कितना तेज़ धूप है यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ खिड़की से दिखा रही हूँ, बहुत तेज़ धूप है बाहर की तरफ। तो धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। जैसे कहा जाता है कि एक औरत जो चीज़ चाह लेती है ज़रूर पूरा कर लेती है, तो वैसे ही है। अगर हम चाह लेंगे तो सब कुछ सही होगा, ऐसा नहीं है। जब तीज के व्रत भी इसी टाइप का होता है, निर्जला व्रत, उसमें भी किया जाता है, तो हम सब कर लेते हैं, तो जीतुआ क्यों नहीं कर सकते हैं, वो भी कर लेंगे। अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी सलामती के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए दुनिया की हर मुश्किल का सामना कर सकती है, और दुनिया की हर ताकत आ जाती है माँ के पास जब किसी उसके बच्चे जब किसी मुसीबत में हो, तो वो हर मुसीबत से लड़ लेती है। तो फ्रेंड अभी मेरे बच्चे स्कूल से नहीं आए हैं, बस 1 घंटे में अभी आ जाएंगे, तो शायद मैं उनके साथ भी वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि आज उनकी ही दिन है। आज उनके ऊपर मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा, आज और कल 2 दिन बिल्कुल भी नहीं। कितनों भी गुस्सा लगवा ले, नहीं आती गुस्सा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इनके लिए व्रत करती हूँ, इनके लिए इतना कष्ट करती हूँ बहुत कुछ। तो अभी आ जाएंगे बच्चे लोग, तो फिर मैं उनके साथ शायद वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि उन लोग वीडियो में टाइम नहीं देते हैं और अच्छे से बनाते भी नहीं हैं, और मुझे भी डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं अभी अपना शॉर्ट वीडियो बना रही थी। आप मेरे चैनल पे, मेरे फेसबुक पेज पे, जहाँ भी मुझे देख रहे हो, तो आप वहाँ पे मेरी शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है बताइएगा ज़रूर, और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मेरी नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती हो वो, और जिसको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती हो वो स्किप करके जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। और प्लीज़ गलत कमेंट आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं बच्चे का फ्यूचर बनाओ, तो ये करो, तो वो करो, फालतू काम में टाइम देती हो, वीडियो बनाती हो। तो फ्रेंड मैं हर काम करने के बाद ही वीडियो बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पा रही हूँ, बच्चे को फ्यूचर नहीं बना पा रही हूँ, अपने घर का काम नहीं कर पा रही हूँ। तो जो लोग बोलते हैं वो थोड़ा बोलने पर कंट्रोल करें, मैं इससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है बोलने वाले बोलते रहेंगे, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी, क्योंकि मुझे मतलब मेरे वीडियो बनाने में मेरे घर वालों को कोई एतराज़ नहीं है, मेरे हस्बैंड का, मेरे फैमिली का, सबका सपोर्ट है, मेरे ससुराल वाले, मायके वाले, सबका। तो बीच में जिसे बोलना हो बोलते रहे, कैसे, तो एक कहावत है फ्रेंड कि कौआ बोलते रहता है और धान छत पे अगर फैलाया हो तो सूखते रहता है, कौआ को बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही बात मैं कहना चाहती हूँ, जिसे बुरा लगा होगा मेरा बात उसके लिए सॉरी, जिसे अच्छे लगेगा मेरे वीडियो वो ज़रूर देखेंगे, और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।